नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। डॉक्टर रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री, योजना सह वित्त विभाग, वाणिज्य वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सरकार द्वारा रविवार को सब भंडरा में 25 बेड के लिए मैनिफोल्ड का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का पूर्वाभ्यास भी किया गया। इस प्लांट के जरिए एक बार में 12 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर से अस्पताल में पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। उद्घाटन के मौके पर माननीय मंत्री डॉ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में झारखंड ने बेहतर कार्य किया। कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए देश में सबसे अच्छी व्यवस्था थी। इस जिले में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन युक्त बेड है। जिले में उपायुक्त के नेतृत्व में अब तक सदर अस्पताल और चीरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा चुका है। पीएसए प्लांट से बिजली चले जाने के बाद भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ऑक्सीजन प्लांट में जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है। जिले में अस्पतालों में कुल 169 बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़े गए हैं, जिससे जिला कोविड वेरिएंट के निदान के लिए तैयार है। डॉक्टर उरांव ने लोगों से अपील की है कि नियमित रूप से मास्क पहने, अपने हाथों को अच्छी तरह धोए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहे। लोहरदगा से वीरेंद्र मुंडा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।